नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कॉस्मोस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार टीचर्स वैकेंसी को लेकर के। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो बिहार की 2.0 वैकेंसी आई थी वो दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी। दिसंबर 2023 में जो भी नियुक्ति या जो भी चीज़ें थी वो फाइनलाइज हो गई थी। उसके बाद से जो टीचर चयनित हुए थे, जिनका भी चयन हुआ था चारों लेवल पर, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो मिडिल स्कूल लेवल हो, चाहे हाई स्कूल और इंटर लेवल हो, उन पर जो भी चयनित अभ्यर्थी थे उनकी सैलरीज आनी अब चालू भी हो गई होंगी और कई लोगों को सैलरी मिल भी चुकी होंगी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। इससे पहले हमने दो लेवल्स की यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल की बात कर ली है, उनकी सैलरीज कितनी बनती है इस पे हमने चर्चा कर ली है और उसकी जो वीडियो है आप आई बटन पे जाके देख सकेंगे। आज की इस वीडियो में हम हाई स्कूल और इंटर की बात करेंगे, यानी हाई स्कूल इंटर के जो अध्यापक हैं, जिनका चयन हो गया, जो पढ़ना चालू कर चुके हैं, उनको कितनी सैलरी मिल रही है पहले साल से। ये पहले साल की अर्निंग होगी। इसके बाद जो आपका ग्रेड पे बनता है, ग्रेड पे आपको पता ही होगा, ग्रेड पे के हिसाब से आपकी सैलरी हर साल बढ़ती रहती है, तो बेसिक पे में वो ग्रेड पे ऐड होता है। अब पहले चलिए हम बात कर लेते हैं टेंथ टीचर की, यानी नाइन्थ और टेंथ में जो टीचर्स पढ़ाएंगे, जो चयनित हुए हैं नाइन्थ और टेंथ लेवल के, उनकी सैलरी कितनी बन रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं एक बेसिक पे होता है, यानी आपको जो बेसिक पे मिलता है उसमें चीज़ें ऐड होती हैं। तो बेसिक पे आपका 31,000 रुपये का होगा, यानी 31,000 रुपीज़ आपका बेसिक पे होगा। इस पर आपको 50% का महंगाई भत्ता, जो कि इस साल की तिमाही या चौमाही का जो डीए लगता है आपका महंगाई भत्ता, वो 50% है। इसमें इसका अगर हम हिसाब लगाएं तो 15,500 इसमें आपका और जुड़ेगा महंगाई भत्ता। आपका एचआरए, यानी ज़्यादातर लोग देखिए बाहर जाते हैं, यानी टीचर्स की अगर आप वैकेंसी देखेंगे भी तो आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो आपके होम टाउन से बाहर मिलती है, तो आपको एचआरए भी मिलेगा लगभग 8% के हिसाब से। डिपेंड करता है आपका शहर कौन सा। अगर आप ज़्यादा आधुनिक शहर में रहते हैं, जैसे बिहार वगैरह के, माफ करिए, बिहार के पटना वगैरह शहर में, तो आपको और एचआरए मिलता है। लेकिन आप ज़्यादातर लोगों को लोकल या गांव ग्रामीण इलाकों में भेजा जाता है, तो वहाँ आपको 8% के हिसाब से मिलता है एचआरए, जो कि 24,080 रुपये होगा। सीटीए आपका जो है वो 2,190 रुपये होगा। यानी सीटीए क्या होता है, आपका ट्रेवल अलाउंस और भी जो खर्चे होते हैं भत्ते टाइप में, उनको आपको 2,190 रुपये मिलते हैं। फिर आपका मेडिकल का जो अलाउंस होगा वो 1,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद आपका जो पेंशन फंड है वो 4,526 रुपये कट जाएगा। कटेगा इसलिए आपको पता ही है कि आप पेंशन जो भारत सरकार देती है वो आपको अपने पैसे फीस माफ़ करें आपको जो सैलरी उसमें से आपको पेंशन कटवानी पड़ती है, तो इसमें से आपका 4,526 रुपये कटेंगे। ज़्यादातर लोग पेंशन कटवाते हैं। अगर आप ना कटवाएं तो ये आपका 4,500 रुपये जुड़ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पेंशन कटाते हैं, तो इसमें से मैंने पेंशन हटा दी है। जो आपका फाइनल अमाउंट बनेगा वो होगा 47,644 रुपीज़, यानी आप मान के चलिए 2,500 रुपये 50,000 में कम रहेंगे पहले महीने की ये अर्निंग होगी आपकी। इसके बाद हम बात लेते हैं ट्वेल्थ की, यानी जो 11th 12th में पढ़ाएंगे उनकी कितनी अर्निंग होगी। तो 32,000 उनका बेसिक पे होता है, 9th 10th में 31,000 बेसिक पे होता है और 11th 12th में आपका 32,000 बेसिक पे होगा। उसके हिसाब से आपका जो महंगाई भत्ता जुड़ेगा वो 16,000 का होगा और 16,000 महंगाई भत्ते पे आपको जो हाउस रेंटल मिलता है वो 2,560 रुपये का होगा, यानी जो आपको किराया वगैरह का जो भत्ता मिलता है। उसके बाद आपका सीटीए उतना ही 2,190 आपके इसमें सीटीए जुड़ेगा और आपका जो मेडिकल अलाउंस है वो भी 1,000 रुपये आपको मिलेगा। इसमें जो आपका पेंशन कट जाती है वो 2,680 रुपये करीब, माफ़ करिए 4,480 रुपये करीब आपकी इसमें पेंशन कट जाती है, 4,669 रुपये। तो यहाँ आपके आपकी यहाँ पेंशन भी कट जाएगी। आपकी जो नेट सैलरी बनेगी वो लगभग 49,000 रुपीज़ आपकी नेट सैलरी बन जाएगी। एक 1,000 कम होगा आपका, 50,000 में आपकी 49,000 सैलरी बनेगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।